डिजिटल मीडिया एसोसिएशन आज ये एसपी ऑफिस में आया है। एक्चुअली रिसेंटली ये 20 जो जून में हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है संगे गोमा, जो कि अरुणाचल टुडे का एक रिपोर्टर भी है, उनका एक ऑफिशियल अपना एक पेज था जिसको 20 जून में हैक कर दिया गया। तो हैक करने के बाद उसने तो सोशल मीडिया में भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि हैक हो गया, फिर भी हम लोग ने अपने तरफ से हम लोग ने भी रिपोर्ट किया, बहुत ट्राई किया कि उसको वापस रिट्रीव करने के लिए अकाउंट को। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा कि दो तीन दिन कल परसों का बात है, दो तीन दिन पहले का बात है, देखा है कि वहाँ पे कुछ वल्गरिटी पोस्ट, प्रोफेनिटी एंड वल्गरिटी कंटेंट, इस तरह का पोस्ट अपलोड होने शुरू हो गया। तो जो कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा यहाँ अरुणाचल में और आप इंडिया को भी ले लो, हर जगह में आजकल फेक अकाउंट से क्या क्या आपको मैसेजेस जाता है, आपको पैसा मांगने वाला फ्रॉड स्कैम सब कुछ आजकल फेक अकाउंट से हो रहा है और हैकिंग हो रहा है, और हैक तो करता है। स्पेशली सबसे पहले मैं इस चीज़ में इम्फेसाइज करूँगा कि हमारे जो लेडीज रिपोर्टर हैं उन लोगों को बहुत ही ख़राब ढंग से, बहुत ही बुरी, मतलब बहुत ही ख़राब ढंग से उन लोगों को ट्रोल किया जाता है। ट्रोल तक ठीक है, लेकिन ऐसा अकाउंट को हैक करके ऐसा वल्गरिटी पोस्ट कंटेंट पोस्ट करना, ये हमारा एसोसिएशन इसको कंडेम करता है। तो आज हम एसपी ऑफिस में आए थे, एसपी साहब को हमने एफआईआर भी दिया है और उनसे थोड़ा दो चार बात डिस्कशन भी किया था, तो एसपी साहब ने भी हमें बहुत अच्छा सलाह दिया है कि किस तरह से हम लोगों को भी इसको टेकल अप करना है। और एसपी सर का भी एक एश्योरेंस हम लोगों को मिला है कि वो भी जल्द से जल्द इस तरह का जो साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग जो हो रहा है, उनको अरुणाचल में वो भी स्ट्रिक्टली एक स्टेप, एक कदम उठाने वाले हैं। और बहुत जल्दी एडमा और हम लोग ये कैपिटल एसपी टीम के साथ मिल के भी हम लोग एक ये साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम, इनके ऊपर में हम लोग एक इनिशिएटिव भी उठाने वाले हैं। मेरा ये सेक्रेटरी भी है सामने में सांगे गोमा, तो उनसे भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए कि क्या वो घटना किस तरह से था। तो संजय धन्यवाद। आप सबने देखा होगा, अगर मैंने सोशल मीडिया में ही अपडेट कर दिया, थोड़ा सा ब्रीफ बना जाऊँगी रिगार्डिंग जो काफ़ी लोग मिसकंसेप्ट कर रहे हैं कि अकाउंट मेरा फेसबुक अकाउंट, मैं बता दूँ कि वो फेसबुक अकाउंट नहीं, फेसबुक पेज जो मेरा पर्सनल पेज था सांगे डोमा के नाम से, वो हैक हुआ है, जो कि 20 जून 2021 ये साल को ही हुआ है। तो 20 को जब हुआ उसके बाद में मैंने सोचा कि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत यू नो साइबर सेल को थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, तो देख उस FIR देखे तो फ़ायदा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू और जो हमारा चैनल है अरुणाचल टुडे उसके थ्रू से भी मैंने ट्राई किया था, कल किया था एक्चुअली। तो एक सप्ताह तो कुछ भी अपडेट नहीं था, कुछ नहीं, तो ऑल ऑफ सडन कल शाम को मुझे दोस्तों की तरफ से काफ़ी मैसेजेस आया, तब मैंने भी जाके देखा तो वहाँ पे काफ़ी अनवांटेड, यानी कह सकते हो वल्गर फोटोज अपलोडेड था, तो काफ़ी ख़राब लगा उसको देखकर। एंड FIR देने के पीछे भी कारण ये है कि हमारे अरुणाचल में सिर्फ हैक ही नहीं कर रहा, काफ़ी फ्रॉड भी हो रहा है। तो जस्ट टू अवेयर द थिंग कि लोगों को, कि आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहे और कुछ भी चीज़ों को यू नो क्लिक करने पहले सोचे बार, एक दो बार, मतलब दो तीन बार सोचिए कि ऐसा ना हो आप सबके साथ में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसीलिए भी फाइल कर रही हूँ कि अराउंड 40,000 फॉलोवर था, तो आई डोंट वांट कि लोग गलत समझे और गलत कुछ मैसेज जाए, क्योंकि मैं कोशिश करती थी वो पेज के द्वारा कि लोगों को कुछ हेल्प मिल पाए या फिर इंफॉर्मेशन मिल पाए, तो वो ना हो यू नो। अब हमारे जो लोग हैं उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है एंड अवेयर होना ज़रूरी है, कहीं मस्ती में आकर आप किसी को ट्रोल करना, ये सब यू नो इट कैन लीड टू लाइक वेरी डार्क यू नो काफ़ी ख़राब चीज़ तक लीड कर सकता है। एंड आज रिपोर्ट करना इट नॉट बिकॉज कि मेरा है, मैं चाहती हूँ कि लोग जिनके साथ में भी होता है, काफ़ी लोग कंप्लेन नहीं करते हो, आई वन लाइक यू नो सभी से अपील करना चाहूँगा आइए कंप्लेन करें, ताकि जो जो साइबर सेल एंड आईटी सेल जो अरुणाचल का थोड़ा बहुत यू नो दूसरा का स्टेट के कंपेयर थोड़ा सा लैकिंग कर रहा है, वो भी वर्कआउट अच्छी तरीके से करें और यू नो जो हैकर्स हैं या फिर जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें यू नो जल्दी से जल्द पकड़ रहे और
हम भी सेफ रहे और सभी सेफ रहे, क्योंकि अभी का सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक SP कैपिटल जी वी जी राम जी, जिन्होंने हमें समय दिया और काफ़ी उन्होंने डिटेली हमें सुना, और उन्होंने जैसे प्रेसिडेंट ने भी कहा कि जल्दी आजमा टीम और जो कैपिटल पुलिस है, हम मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम या कह लीजिए हम लोग अवेयरनेस करने वाले ऑन सोशल मीडिया, ताकि जो अब आज हमारे साथ हुआ है, जो काफ़ी पॉलिटिशियंस के साथ में भी हुआ है, काफ़ी टेक्नोकैस ब्यूरोक्रेट्स के हमारे साथ में भी होता है, वो चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, और आप जो मैं अभी सफ़र कर रही हूँ आप सब सफ़र ना करें। थैंक यू सो मच।